नमस्कार, आप देख रहे हैं अशोक कुमार के साथ संसद वाड़ी की रिपोर्ट। हम इस वक्त आ चुके हैं मऊ के सोनी धापा मैदान में, जहां योगी आदित्यनाथ जी का कार्यक्रम है, जहां आज जनता को योगी मुख्यमंत्री आज जनता को संबोधित करेंगे। हमारे पीछे एक बुलडोजर दिख रहा होगा, जो काफी योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा के नाम से चर्चित है। इसी वक्त आज कार्यक्रम स्थल पे बुलडोजर के साथ आज जनता को आज योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। आइए जानते हैं जनता की राय कि योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम स्थल पर आखिर क्यों बुलडोजर खड़ा है, बुलडोजर क्यों खड़ा है बाबा के कार्यक्रम स्थल पर। गुंडों माफियाओं को खत्म करने के लिए ये बाबा का बुलडोजर आया हुआ है भैया। गुंडों माफिया पीछे एक चाचा है जो बुलडोजर के ऊपर खड़े हुए हैं। आइए पूछते हैं, चाचा जी अपना परिचय बताएं। हम ग्राम सभा डुमराव के रहने वाले हैं। मेरा नाम रंजीत सिंह है। ये बुलडोजर पर खड़े इसलिए हम हैं कि जितने गुंडा माफिया हैं उनके सीने पर बुलडोजर चलेगा। अरे सीने पे बुलडोजर चलेगा, ये करे कुछ गरीबों लोग पर भी बुलडोजर चल जा रहा है, इस पर क्या कहें। नहीं नहीं, किसी गरीब पर नहीं। गरीब को महीने में दो बार राशन मिला है और लोगों को गैस मिला है। जितनी सुविधा है वो सारे गरीबों को मिली है और सारे गरीब खुशहाल हैं। सारे गरीब खुशहाल है। आखिर जानते हैं युवा से कि क्यों कार्यक्रम स्थल पर बाबा के कार्यक्रम स्थल पे बुलडोजर खड़ा हुआ है। आइए जान क्यों खड़ा है कार्यक्रम स्थल पर। क्या ये कार्यक्रम क्यों खड़ा है बुलडोजर? खोदने के लिए। किसको? माफियाओं को। माफियाओं को, भ्रष्टाचारियों के रूप को। ये अपना नाम बताएं। आयुष्मान सिंह। आयुष्मान सिंह, क्या ये युवा को लिए ये सरकार सही है? बहुत ज्यादा सही है सरकार। क्यों क्यों सही है बताएं। युवाओं को सम्मान मिल रहा है पूरी तरह से। क्या दी है योगी सरकार सम्मान? योगी सरकार पुलिस भर्ती दी है, शिक्षक भर्ती दी है, और क्या चाहिए? व्यवसाय के लिए लोन दे रही है, तो और क्या चाहिए जनता को? अखिलेश जी कह रहे हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं। कुछ नहीं आ रहे उसकी, उनकी आ रहा है। और वो 15 साल में क्या किया जनता के लिए कि फिर मांग रहा है आज? हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।